पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह के मामले पर सुनवाई करीब हफ्ते भर के लिए टल गई, जब विशेष अदालत तक जाने वाले रास्ते पर 5 किलोग्राम वजन का एक बम और 2 भरी हुई बंदूकें बरामद किए जाने के बाद वे सुरक्षा कारणों से अदालत में पेश नहीं हो सके। विशेष अदालत ने 2007 में आपातकाल लगाने के सिलसिले में राजद्रोह के आरोप का सामना कर रहे मुशर्रफ को पेश होने के लिए मंगलवार को बुलाया था। मिस्र की राजधानी काहिरा में पुलिस मुख्यालय की एक इमारत में हुए बम धमाके में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हो गए हैं। राजधानी काहिरा के उत्तर में नील नदी के डेल्टा में बसे मंसूरा शहर में हुए जबरदस्त विस्फोट के कारण इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक किसी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ईसा मसीह के जन्मभूमि बैतलहम में अंतिम दौर की तैयारियां जोरों पर हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस पर होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए हजारों तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं।